हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। आज की वीडियो है हमारी एनडीए 2022 का जो फर्स्ट पेपर है उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ही इज असेंशियली अ क्रूड पर्सन। क्रूड क्या होते हैं? व्हाट इज क्रूड? जब बोलते हैं ना हमने कच्चा तेल निकाला, क्रूड ऑयल निकाला, जो चीज अपने नेचुरल फॉर्म में हो, विच इज इन इट्स नेचुरल फॉर्म, या फिर बेसिक नेचुरल बोल सकते हैं हम इसको, या फिर बेसिक बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड क्या होता है? इक्वल हो, जो इधर से भी तो हर तरफ से क्या हो, इक्वल हो, वो होता है बैलेंस्ड। इक्वल बोल सकते हो, मेंटेन्ड बोल सकते हो बैलेंस्ड को। ईगर, ईगर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, उत्सुक, बंदा, कीन, पैशनेट, एंथुजियास्टिक, उसके बाद रिफाइंड एंड कोर्स। कोर्स होता है रफ, कई बार इसको हम पाथ भी बोल देते हैं, यहाँ पे इसका मीनिंग है रफ, इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। उसके बाद आ जाओ रिफाइंड। रिफाइंड क्या होता है? रिफाइंड क्या होता है? प्रोसेस्ड, कि हमने क्रूड कच्चा तेल निकाला, उसको प्रोसेस करके हमने बिल्कुल रिफाइंड किया, प्योर किया, ये होता है प्रोसेस्ड। एक तरफ है बेसिक या फिर नेचुरल, दूसरी तरफ है प्रोसेस्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंटोनियम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हिज कॉन्फिडेंस इज हाई। कॉन्फिडेंस क्या होता है? विश्वास, आत्मविश्वास बोलते हैं जिसको हम, आपका मोरल। आप देखते एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है बंदे की सहन शक्ति, बियरिंग पावर, किसी भी चीज को सहने की पावर, बियरिंग पावर। अब जो स्टेडफास्टनेस, स्टेडफास्टनेस होता है किस चीज का? प्रिजर्व रहना, कंसिस्टेंट, परसेवरेंस, कंसिस्टेंट। ईगरनेस अभी पढ़ के हटे हम, कीन, पैशनेट, एंथुजियास्टिक। डिफिडेंस का मतलब होता है आपके पास नॉट कॉन्फिडेंट, बोल लो जो बंदे होते हैं ना, बंदा बहुत शर्माता है, शाय, बैशफुल, या फिर ले लो इंट्रोवर्टेड। Not confident means diffidence. Option A is correct. Antonym. Now next question is his integrity is noticed. Integrity, integrity होता है एकता या फिर ईमानदारी। इसको हम बहुत सारे different different terms में use करते हैं। हमारे constitution में इसमें एकता के लिए use किया गया है, एकता। अब यहाँ पे देखो skillfulness क्या होता है? जब कोई बंदा क्या हो, कुशल हो हर तरीके से, उसमें बहुत सारी क्या हो, खूबियां हो, स्किल्स हो, स्किलफुलनेस। एबिलिटी होता है किसी चीज को करने की पावर या फिर क्षमता। डिपेंडेबिलिटी, जब हम किसी पर डिपेंड हो, निर्भर हो। डिसोनेस्टी, बेईमान, ईमानदार ना हो, चीटर, डिफ्रॉड, धोखा करने वाला, डिसीवर। डिफ्रॉड, अब देखिए एक तरफ है ऑनेस्ट, दूसरी तरफ है डिसऑनेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही शी इज बेनिवोलेंट इंडिविजुअल। अब हम बेनिवोलेंस को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंड, कंपैशन, जो बंदा बहुत क्या हो, दयालु हो, काइंड या फिर कंपैशन। अब देखते हैं एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट जिसको कुछ पता ना हो, उलझा हुआ, मिक्सचर ऑफ टू थिंग, मिक्सर बोल लो कि मिक्स माइंडेड है ये बंदा। मेल वॉलेंट, मेल वॉलेंट जो बंदा क्यों क्रूअल हो, जिसके इरादे सही ना हो, हम ये वर्ड मेलाइन कल भी पढ़ के हटे हैं। उसके बाद मडल, मडल होता है कीचड़, नहीं होता जहां पे गंदा, फिल्दी। क्लेवर होता है चलाक, क्लेवर, कनिंग, श्रूड, एस्ट्यूट, ये वर्ड भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक तरफ है काइंड कंपैशन, दूसरी तरफ क्रूल एल मेलाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज सार्टोरियल मैनर इज जस्ट। अब सार्टोरियल क्या होता है? स्टाइलिश, सार्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास स्टाइलिश, फैशनेबल। क्रूड अभी पढ़ के हटे, बेसिक या फिर नेचुरल, कॉमन, जो सबके पास हो। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स अनएडजस्टेबल, जो चीज एडजस्ट ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना कर सके।
अनएडजस्टेबल. सो बट एक ही बचा स्टाइलिश का अपोजिट अनस्टाइलिश. ऑप्शन ए इज करेक्ट एंटोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक. कि ये जो आर्ट का पीस है ऑथेंटिक ऑथेंटिक होता है ओरिजिनल बोल लो ओरिजिनल जेन्युइन. अब देखते जेन्युइन ऑप्शन ए. ये तो हमें सिनोनिम मिल गया. हमें अपोजिट बताना था. एक्सपेंसिव होता है कॉस्टली महंगा. रेयर होता है यूनिक जो सबके पास ना हो कहीं ही हो सबसे अलग. फेक होता है नकली. फेक होता है नकली इमेजिनरी. अब देखिए एक तरफ है ओरिजिनल दूसरी तरफ है फेक नकली. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट एंटोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन. डिल्यूज क्या होता है बोलते हैं ना बहुत हैवी रेनफॉल. इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं आपने सुना होगा उस इडियम को बोलते हैं रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. की बिल्कुल कुत्तों बिल्लो जैसे बारिश होना. रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स एक idiom है. इसका मतलब होता है रेनिंग वेरी हैवीली बहुत ज्यादा बारिश होना. अब क्लाउड बर्स्ट जब बादल फटते तब भी बारिश बहुत ज्यादा होती है. सिनोनियम मान सकते हैं डिल्यूज को भी. ड्रॉट बाढ़ आना बारिश की वजह से ये भी एक सिनोनियम हो सकता है. डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन ना तो सिनोनियम है ना एंटोनियम है क्योंकि पेड़ों का कटना इज नॉट द सिनोनियम और एंटोनियम ऑफ डिल्यूज. उसके बाद आओ ड्रिजल. ड्रिजल होते हैं ना बाहर बूंदाबांदी हो रही है. ड्रिजलिंग लाइट रेनफॉल बूंदाबांदी सिर्फ लाइट रेनफॉल. एक तरफ है हैवी रेनफॉल दूसरी तरफ है लाइट रेनफॉल. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट एंटोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज डेडिकेशन इज नॉन टू वर्ल्ड. डेडिकेशन क्या होता है. अब हम बोलते हैं हमें उस चीज को पाना ही है. उस चीज को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मीन्स किसी चीज को पाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर उसके लिए कर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता दैट इज डेडिकेशन. स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू एनीथिंग. कुछ भी कर गुजरने की क्षमता. एंगर होता है गुस्सा. रेथ लोथ. अपैथी. अपैथी होता है जब हम किसी को पसंद ना करें. डिसलाइक जब हम क्या है कोई एक पर्सन दूसरे को पसंद ना करे उनके विचार में दैट इज अपैथी. सॉरी एंटीपैथी उसको हम एंटीपैथी बोलते हैं. उसके बाद आ जाओ हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अपैथी. अपैथी होता है ना जो चीज बहुत डिफरेंट हो. एंटीपैथी बोलते हैं हम डिसलाइक और अपैथी होता है डिफरेंट या फिर वो अनइंटरेस्टेड जिसमें हम इंटरेस्ट ना लेते हो. अनइंटरेस्टेड हो बोरिंग हो डिफरेंट हो. हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी क्या होता है. एनिमी नफरत दुश्मनी जिसको बोलते हैं. क्लैरिटी होता है किस चीज का क्लियर होना. अब वहां पे उसकी डेडिकेशन है दूसरी तरफ क्या है उसका. हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल. उसकी जो डेडिकेशन है वो सबको पता है. उसकी जो इच्छा है जिसके लिए वो डेडिकेटेड है वो सबको पता है. दूसरी तरफ क्या है उसकी जो है एंगर गुस्सा भी उसको सबको पता है. लाइक यहाँ पे तो डेडिकेशन है जिसको वो चाहता है. एंगर दूसरी तरफ उसका गुस्सा जिससे वो नफरत करता है. अपैथी हो गया डिफरेंट अनइंटरेस्टेड. दूसरी तरफ है हॉस्टिलिटी एनिमी शत्रु भी नहीं हो सकता. क्लियरिटी मीन्स क्लियर भी नहीं हो सकता. बचा क्या एंगर यानी कि गुस्सा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर परस्पिकेसिटी वॉज रिमार्केबल. परस्पिकेसिटी होता है स्मार्ट बोल लो क्लेवर बोल लो चतुर चालाक. आप देखिए स्मार्टनेस सिनोनियम मिल गया. डेडिकेशन अभी पढ़ के हटे. स्ट्रॉन्ग डिजायर. डेवियसनेस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट जो हम अभी पीछे पढ़ के हटे. डेवियसनेस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट. डेवियसनेस मींस डिसऑनेस्ट. डलनेस मतलब जो स्मार्ट ना हो रफ हो. नॉट स्मार्ट रफ. एक तरफ है स्मार्ट दूसरी तरफ है नॉट स्मार्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट एंटोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज He has a penchant for spicy food. Penchant होता है किसी शौक रखना या फिर किस चीज को पसंद करना. Liking या फिर fondness. Liking या फिर fondness. अब देखो dislike होता है किस चीज को ना पसंद करना. हमें क्या है हमारा मिल गया करेक्ट ऑप्शन एंटोनियम. टेंडेंसी होता है किस चीज की आदत. एफिनिटी होता है किसी की तरफ जाना अट्रैक्ट. फियर होता है डर डॉन्ट. हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन एंटोनियम डिसलाइक तो मिल ही चुका है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर गुड मील इट इज इम्पॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ. अब हमारे एंटोनियम्स खत्म हो चुके हैं. यहाँ से
स्टार्ट हो रहे हैं हमारे सिनोनिम्स। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें सिनोनिम बताना है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट देना क्या होता है? किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, एप्रिशिएट करना। प्रेज, एप्रिशिएट, एक्सटोल। अब देखते हैं, रिवाइल होता है किसी को गाली देना, अब्यूज, स्कॉन। एडमोनिश होता है ये किसी को डांटना, बिरेट, चाइड, स्कोल्ड, रिब्यूक। ये सब हम यूज करते हैं डांटने के लिए। प्रेज हम अभी पढ़ के, टिप किसी का अपर पार्ट, नहीं बोल। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज वर्क इज लाउडेबल। लाउडेबल जो अभी हम सेम पढ़ के हटे, सेम वही है, कॉम्प्लीमेंट, लाउडेबल, प्रेज, जिसकी तारीफ कर सके। प्रेज वर्थी, लाउडेबल होता है तारीफ के लायक, प्रेज वर्थी, एप्रिशिएबल। आप देखते हैं ऑप्शन, लाउड ऊंचा बोलना, बोल्ड, बोल्ड होता है वेलर, ऑडेशियस, साहसी, जो अड़ा रहे, स्टेगमेंट, स्टबन, जिद्दी, लफेबल, जिसपे सारे हंसे। ऑप्शन ए प्रेज वर्दी इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स। वह जो है असाइनमेंट सबमिट करने में कैसा है? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस बोल सकते हैं इसको हम, लेबोरियस। अब देखते हैं डिली डेलिंग। डिली डेलिंग का मतलब होता है हमारे पास वो बंदा जो टाइम वेस्ट करता, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम। आप देखो प्रोक्रेस्टिनेटिंग होता है डिले करना, पोस्टपोन करना, डिफर भी लिख सकते हैं हम इसके लिए, डी एफ ई आर। अब की बार जो है सीडीएस में इसी पे क्वेश्चन आया था, डिफर और डिफर। इस डिफर का मतलब होता है लेट और इस डिफर का मतलब होता है अलग। सो माइंड डिड द स्पेलिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफर लेट, पोस्टपोन लेट। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो आपको पता ही है, कोई जो बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट मीन होशियार। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास क्या, कंसिंटस। अब इसका मतलब क्या है? कंसिंटस का मतलब होता है हमारे पास हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, लेबोरियस। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है जो बहुत चुप रहने वाला हो, साइलेंट, क्वाइट, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट। समटाइम हम इसके लिए इंट्रोवर्ट में यूज कर सकते हैं हम, कि चुप रहने वाला, अपने आप में विड्रॉन होता है, किस चीज को वापस ले लेना, पीछे ले लेना, हटा लेना, ड्रॉ कर लेना। साइलेंट, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट सिनोनियम। चुप रहना, रिजर्व रहना, जॉलिंग होता है खुश। एक्सपेंसिव अभी पढ़ के हटे, कॉस्टली, महंगा। इसके लिए इडियम यूज होती है कोस्ट एंड आर्म एंड अलेग, बहुत महंगा होना, कोस्ट एंड आर्म एंड अलेग। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज He is always a jovial. Jovial का मतलब होता है वह हमेशा से ही कैसा रहे, खुशनुमा, cheerful, happy, pleasant, delightful. वह हमेशा से ही कैसा रहा है, खुशनुमा बंदा, खुश मिजाज का रहा है। अब देखते cheerful, पहला ही ऑप्शन हमें ऐसा मिल गया, cheerful, ऑप्शन ए इज आर करेक्ट सिनोनिम। उसके बाद आता है आपके पास कैलस। कैलस वर्ड अभी थोड़ा टाइम पहले हम पढ़ के हटे हैं, cruel, अपोजिट ऑफ काइंड। गैरुलस होता है लोकेशियस, लोकेशियस याद रखना, लोकेशियस और टोकेटिव गैरुलस सिनोनिम होते हैं। इनका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बातें करे, जो बहुत ज्यादा क्या हो, बातूनी हो। उसके बाद आ जाओ क्रेडुलस, ये होता है बंदा जो क्या इनोसेंट हो, इनोसेंट लिख सकते हैं, गुलीबल लिख सकते हैं, या फिर नेव, इनोसेंट, गुलीबल या फिर नेव। क्रेडुलस मींस, अब हमारे हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट सिनोनिम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन रिमेन्स मोरोज दीज डेज। मोरोज होता है दुखी रहना। अब वो इन दिनों दुखी रहता है, दुखी, हम जब दुखी रहे हम किससे बात नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। अब देखो सुलेन, सुलेन का मतलब होता है बहुत ज्यादा लेजी रहना, लेथार्जिक, लेजी, लेथार्जिक, सुलेन। उसके बाद चिरपी, चिरपी होता है बोलना, चिरपी बोलना, चिरपिंग करना, खुश रहना। इसके लिए लिखे
जेनरस होता है, उदार, काइंड भी लिख सकते हो, इंट्रोस्पेक्टिव होता है, इंट्रोवर्ट लिख लो, या नॉट हैप्पी लिख लो कि अपने आप में रहता है, किससे ज्यादा बात नहीं करता। मोरोज होता है सैड, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, ये सारे मोरोज के सिनोनियम हैं। मतलब निराश रहना, दुखी रहना। इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? निराश और दुखी। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट सिनोनियम। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट मीन्स जिसको बोलते हैं ना कि वो पढ़ने का इच्छुक नहीं है। ही इज रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग पर्सन, जिसको क्या है, किसी चीज की इच्छा नहीं होती, अनविलिंग। ये वर्ड तो हम इतनी बार पढ़ चुके कि बाप की याद ही हो जाना चाहिए। कीन, पैशनेट, एंथुजियास्टिक, ईगर, दोनों सिनोनियम है। फियरफुल होता है ड्रेडफुल, भयानक, जो चीज डरा दे, भयावह है। अनविलिंग ऑप्शन से इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑप्टिमिस्टिक होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, मीन्स जो हमेशा लाइफ के जो ब्राइटर थिंग्स की तरफ देखे, ना कि अंधेरे की तरफ। मीन्स जो हमेशा आशा की तरफ जाए, निराशा की तरफ नहीं। दैट इज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। इसके लिए हम यूज करते हैं सैंग्विन। और जब पैसिमिस्ट होता है, इसका अपोजिट होता है, हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्ट, हॉपलेस बोल सकते हैं हम पैसिमिस्ट को। अनकेयरिंग, जो केयरफुल ना हो, नॉट केयरफुल, केयरफ्री भी वही, जो ध्यान ना रखे। ऑप्शन डी सैंग्विन इज आर करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। कोऑपरेटिव, जो दूसरों के साथ कोऑपरेट करे, मींस अगर कुछ दिक्कत है तो वो ये ना करे कि हाँ मैं भी प्रॉब्लम है। कोऑपरेटिव जो दूसरों के साथ फ्रेंडली बिहेव करे, हमेशा हर चीज के साथ कोऑपरेटिव रहे, कोऑपरेटिव बिहेव करे, मतलब एडजस्टेबल नेचर हो जिसका, वो होता है कोऑपरेटिव। अब देखो कंप्लेसेंट, और ये कंप्लेसेंट ये आपके एनडीए में आए थे इस बार, सीडीएस में आए थे 2022। इसका मतलब होता है सेम प्लेस। कम प्लेस मीन्स सेम प्लेस, और इसका मतलब होता है ईगर टू प्लीज, बात करने का इच्छुक। इसका मतलब होता है आपका बात करने का इच्छुक, ईगर टू प्लीज। अभी कवर्ड है, इसका मतलब होता है आपके पास सीक्रेट या फिर हिडन। सीक्रेट या फिर हिडन, इस कवर्ड का मतलब होता है सीक्रेट या फिर हिडन। और इस कन्वेइंग का मतलब होता है, आप बोलते हैं ना कि वो बहुत चालाक है, धूर्त है, जिसके इरादे अच्छे नहीं, आर्टफुल, कनिंग, चालाक ज्यादा है, अच्छा नहीं है, धूर्त नेचर है, क्राफ्टी। आप देखिए एग्री टू प्लीज, जो सबसे बात करने का इच्छुक, यहाँ पे सबके साथ कोऑपरेट करे हर चीज में। ऑप्शन ए इज करेक्ट सिनोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज आर लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट होता है जो क्या हो कि स्किलफुल, बोल लो स्किलफुल, हमने पढ़ा था कि कुशल, कारगर। कॉम्पिटेंट होता है जिसमें सारे स्किल्स हो, हर चीज के लिए कैपेबल हो, स्किलफुल हो। अब देखना क्लम्जी, क्लम्जी हम यूज करते हैं ऐसा पर्सन जो हमेशा गंदगी में रहता हो, कुंबरजम, क्लम्जी, कुंबरजम, समझ, जो गंदगी वाले पर्सन के लिए। इनअडेप्ट, जो किसी चीज को अडेप्ट ना करे, नॉट एडजस्टेबल, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, एक्सेप्शनल, यूनिक, सबसे अलग, डिफरेंट, रेयर। कॉम्पिटेंट मीन्स कैपेबल। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट सिनोनियम। So we are done with our today's antonym and synonym. In next video, we will discuss with another paper.